है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। सो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं 3D आइकन सेट इन एडोब इलस्ट्रेटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने रफ स्केच किया है पेंसिल से एंड उसको इंपोर्ट किया हूँ इलस्ट्रेटर पे। देन इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ यूज़ करूँगा कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल कर्फ ड्राइंग के लिए ईजी होता है, सो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ड्राइंग के लिए भी मैंने बेसिक कलर रखा है एंड पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर्स पे अगर आप क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो ये कर्व कॉर्नर्स को शार्प एंड कर्वी बनाता है। तो इस तरह से सारा ड्रॉ पहले कर लेते हैं। सो अब ड्राइंग मैंने सारा कर लिया है, इसको सेव कर लेते हैं। और अब मैं इसका एक बेस प्लेस होल्डर तैयार कर रहा हूँ जिस पर आइकन्स हम लोग सेट करेंगे। तो मैंने बेसिक 240 x 240 px 240 by px का बॉक्स स्क्वायर बना लिया है एंड मैं जो बटन्स बनाऊँगा वो सर्कल फॉर्म में रहेगा। सो मैंने इसको लॉक करके इसके ऊपर सर्कल बनाया सेम हाइट विड्थ का 240 by 240 px। ओके, सो इसमें मैं लेयर्स बाय लेयर ड्रॉ करूँगा। इसके लिए मैंने दो कलर पिक किया है, एक येलो एंड एक ऑरेंज। तो ग्रेडियंट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एंड ग्रेडियंट के थ्रू लिनियर ग्रेडियंट और उसको ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ इसका मैं कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, तो कॉपी के बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, जो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस होगा कंट्रोल एप से। नाउ अगेन इस पर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा डार्क वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड इस तरह से कुछ ग्रेडियंट अप्लाई किया। नाउ ये थोड़ा डेप्थ क्रिएट कर गया। नाउ मेरा बैक का सर्कल और ऊपर दिख रहा है और सेंटर सर्कल लाइक पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इस पर एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ और एक लेयर जो थोड़ा शाइनी और लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए मैंने एक साइड वाइट रखा है विथ 100% ऑपोसिटी और दूसरे साइड ऑपोसिटी मैंने जीरो कर दिया है। सो कुछ इस तरह से ये एडजस्ट कर रहा हूँ और ये हाईलाइट होता हुआ सर्कल पे लाइट दिखेगा। बढ़िया। अब मैंने जो ड्रॉ किया था वेक्टर आइकन्स उसको प्लेस करके थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ साइज, कॉर्नर्स एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। बढ़िया। अगेन इसके ऊपर मैं लेयर बाय लेयर ड्रॉ करूँगा, कलर फिल करूँगा। तो पहला जो लेयर होगा वो मैं सॉलिड येलो रखता हूँ एंड इसके ऊपर मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ अगेन सेम कंट्रोल एफ, जो उसके ऊपर प्लेस करेगा, पेस्ट करेगा सेम प्लेस पे।
और कंट्रोल बी करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बैक साइड में प्लेस करेगा। सो इस पे मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ सेकंड लेयर पे, एक येलो सेड एंड उसका डार्कर सेड थोड़ा। सो इस तरह से थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो गया है। नाउ अगेन मैंने थर्ड लेयर यूज़ किया हूँ, इस पे मैं थोड़ा लाइट को दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक साइड वाइट ऑपोसिटी 100 रखा है, कुछ 50 के आसपास रखा है, दूसरे साइड मैंने 0 रखा है, और ये थोड़ा साइनी इफेक्ट हमें दिख रहा है। थोड़ा मैंने रिसाइज किया सबसे टॉप वाला हाईलाइट वाले लेयर को। नाउ मैं सबसे पीछे बैक साइड में एक लेयर का रिप्ले कॉपी क्रिएट किया हूँ कंट्रोल बी से, और मैंने उस पर डार्कर सेट का कलर डाला है। तो ये थोड़ा डेप्थ और क्रिएट कर रहा है, लाइक बटन्स के आइकन जो है वो थोड़े ऊपर आ गए, कॉर्नर्स थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं। बढ़िया, तो पहला आइकन अप्रोक्स सही दिख रहा है। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट आइकन क्रिएट करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो नाउ सेव, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, मैंने सेव नहीं किया था। नाउ मैंने कॉपी किया बैकग्राउंड लाइक सर्कल, एंड उस पर दूसरा आइकन जो मैंने ड्रॉ किया था वेक्टर का उसको प्लेस कर रहा हूँ। सेम फॉलो करेंगे कलर पैटर्न इसके लिए भी। सबसे बैक में मैं डार्क शेड रख रहा हूँ, और सेकंड लेयर जो उसका रहेगा वो सॉलिड कलर रहेगा येलो। उसके ऊपर थर्ड लेयर जो है उस पर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया है लाइट एंड डार्कर शेड, और सबसे टॉप में वाइट का लेयर है जिसपे जो थोड़ा साइन क्रिएट कर रहा है। इसके सबसे बैक वाले आइकन्स पे लेयर्स पे मैं शेडो अप्लाई कर रहा हूँ, ये थोड़ा डेप्थ और क्रिएट करेगा। एंड से मैं पुराने वाले आइकन्स में भी अप्लाई करता हूँ शेडो। सो इस तरह से सेकेंड भी अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। मैंने फर्स्ट वाले को ही कॉपी कर दिया है डुप्लीकेट कमांड डी से, एंड जस्ट अरेंज कर लेता हूँ। सेकंड बटन भी रेडी हो गया। गाइड टूल यूज़ करके हम लोग रूलर से दोनों का साइज एडजस्ट कर लेते हैं, सेम साइज में रहेगा डायमेंशन।
तरह से फाइनल आइकन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लास्ट वन है हार्ट शेप का, सो इस पे थोड़ा कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं। दो अलग शेड मैंने यूज़ किया है हार्ट के लिए। बैक साइड अगेन मैं डार्कर शेड यूज़ कर रहा हूँ और टॉप में लाइट शेड है। इसके ऊपर भी सेम लेयर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। चार लेयर है, सबसे बैक में डार्कर शेड, दूसरे उसके ऊपर जो है वो सॉलिड रेड रेडिस में है, एंड उसके ऊपर जो लेयर एक है उसको मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, थोड़ा डेप्थ क्रिएट कर रहा है। एंड सबसे टॉप पे सेम वाइट का साइनी इफेक्ट। सो ये हार्ट आइकन हो गया। इस पर भी शैडो अप्लाई कर देते हैं। सो इस तरह से मेरे आइकन सेट अप्रोक्स रेडी हो गए। ओके सो मैं उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा छोटा वर्जन पे, जो एक पेज पे आ जाएगा। तो वेक्टर ड्रॉ का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम ड्रॉ करने के बाद उसको किसी भी साइज पे रिसाइज कर सकते हैं। वो रेस्टराइज पिक्सलेट नहीं होता है, वेक्टर फॉर्म में ही रहता है। तो ये ड्रॉ हो गया, ये एक शैडो कुछ दिख रहा है। ओके इसको पैक कर देते हैं। ओके तो ये हो गया सारा ड्रॉ। सो इसका मैं एक और वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। सो इस तरह से फाइनली हम लोग का आइकन सेट रेडी हो चुका है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब, और अगर कुछ शेयर करना हो तो कमेंट करें। बाय बाय।